नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, आज रविवार का दिन है और आज ही सर्दियों में पहली जो फॉग है वो आई थी, लेकिन फॉग के साथ साथ बड़े हादसे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक डस्टर गाड़ी जो कि बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि जो ड्राइवर की जो जगह है वहां तक जो है पूरी की पूरी जो छत है वो आगे तक ही बैठ जाती है। और ये बाकायदा बता रहे हैं कि जो सामने एक बस भी आप देख रहे हैं वहां पर जो है शायद टकराई उसके साथ ये गाड़ी, और पीछे भी ये गाड़ी किनके सर? मैं ड्राइव कर रहा। अच्छा, आप ही चला रहे थे? ये तो आप ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक है, बच गए जी, बच गए। ये तो गाड़ी का तो बहुत बुरी हालत है, और पीछे से गाड़ी बस में बड़ा हमारी नीचे घुस गई। अच्छा, आप ही बैठे? आप ही चला? मैं बैठा, मैं चला। आप अकेले थे? नहीं, वाइफ थी साथ में। अच्छा, वाइफ, और वाइफ कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ओके, दोनों ओके हैं। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली जा रहे थे। अच्छा, दिल्ली जा रहे थे। तो अचानक से कैसे हो गया एक्सीडेंट? आगे बढ़े बस वाले ने एकदम आगे लगी, ब्रेक लग गई, तो हमारे तो गाड़ी फिर भी रुक गई थी, मगर पीछे वाली बस ने जब गाड़ी ठोकी तो आगे घुस गई। अच्छा, और आगे घुस गई। हाँ, तो शुक्र है कि ये इनकी जो फिलहाल ये दोनों ठीक हैं। ये जा रहे थे दिल्ली, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और फिलहाल ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमारी जिस तरीके से बात हुई वो खुद ही मौके पर आ गए, शुक्र है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि साथ के साथ दूसरी गाड़ी भी आप देख लीजिए, ये दूसरी गाड़ी है दिल्ली नंबर की, जो कि एक वैगनार गाड़ी है, बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त वैगनार गाड़ी। तो आप देख सकते हैं फॉग के आने से, क्योंकि तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि धुंध कब आएगी, लेकिन जब धुंध आई तो देख लीजिए कैसे बड़े बड़े हादसे हुए। पंजाब नंबर की आप देख सकते हैं टैक्सी है, और ये भी किस तरीके से बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त। आप चला रहे थे? ये ड्राइवर चला रहा था, इन्होंने ठोक रखी आगे से, इसके पीछे हम थे, उसके पीछे हम पूजा करने आए थे। एक के बाद एक गाड़ियां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक के बाद एक थी। आप चला रहे थे? नहीं, ये भैया ड्राइवर। हाँ जी, तो बता दें कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी पीछे से भी जो है ये लगी, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से जो है ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और फॉग का आप देख सकते हैं कि क्या जो है फॉग आने से होता है। भैया आप चला रहे थे गाड़ी? है कहाँ से? पटियाला से। भाई पटियाला से? ये अचानक से सारे एक्सीडेंट कैसे होने लगते हैं? आगे ब्रेक लग रही थी, भाई पीछे से लग ही गई, अचानक से ब्रेक लग गई, आगे से जा रही है। आप ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक सब हमारे कोई। और आगे में क्या, एक वैगनर गाड़ी है, उसमें जो लोग थे वो सारे सुरक्षित हैं? सारे सुरक्षित हैं, सारे बैग बंद सुरक्षित। हादसों में बचाव रहा है? हाँ, सारा बचाव है, बचाव है पूरा। तेज नहीं थे, मगर एकदम देखा नहीं है, थक गई आ गया। ब्रेक वगैरह सारे अचानक गए थे। हम तो पूजा करानी है, हमने तो गाड़ी की पूजा भी नहीं कराई है। नहीं, गाड़ी ये ब्रेक्स लगी कैसे आगे? कोई गाड़ी किसी ने ब्रेक लगा दी? ये बताएंगे ना, गलती हुई आगे यार, आगे जाम था ना पुल के ऊपर। हाँ, आगे भी पहले एक्सीडेंट हुआ था, सारी गाड़ियां रुक रही थी पीछे, किसी को अचानक से गाड़ियां ब्रेक लगाने लग गई, ठोकी इनके पीछे हम गए। हां, और पीछे जाके इनके पीछे हमारी ठोकी है, इन्होंने आगे ठोक दिया और पीछे हमारी ठोकी दी। हादसे आगे भी हुआ है? हां जी, आगे भी हादसा हुआ है, आगे भी हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से ये हादसे हुए हैं। बकायदा यहाँ पर तो ये मेरे ख्याल जो डस्टर गाड़ी वो रोडवेज बस के अंदर। हाँ जी, रोडवेज बस के अंदर डस्टर गाड़ी घुस गई थी, वो उनका भी बचाव रहा। हाँ, उनका भी बचाव है, मगर गाड़ी सारी खत्म हो चुकी है। जी जी जी, गाड़ी बुरे तरीके से जो है वो खत्म हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं ये भी। और जो आगे की जो डस्टर गाड़ी है, और फिलहाल बता दें कि ट्रैफिक की जो स्थिति है वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। बता दें एक लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है, लंबा जाम, जिसमें फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस है वो जाम को खुलवाने में लगी है, लेकिन साथ के साथ रास्तों को क्लियर भी करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी ने इंडिकेटर्स भी चलाए हुए हैं फॉग के अंदर, सब कुछ जो है एज इट इज़, जो फॉग के अंदर जो फॉग लैंप वगैरह चलाते हैं वो सब कुछ चला रखे थे, लेकिन अचानक से ब्रेक्स लगने लग गई और फिर अचानक से सब गाड़ियाँ एक दूसरे में ठुकने लग गई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी, जिस गाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं उसे चलाने वाले हमें खुद अभी दिखे थे, और शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आप सभी लोग भी किसी भी तरीके से अगर फॉग में गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश यही करें कि गाड़ी की रफ्तार कम रखें, क्योंकि अगर रफ्तार तेज़ होती है तो फिर हादसा कैसे होता है ये आपको तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आप गाड़ी के हालात देखकर तो शायद हम अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहे थे कि उनका इस तरीके से बचाव हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर बता दें कि मालिक और उनकी, यानी जो ड्राइवर थे जो चला रहे थे खुद, और उनकी जो वाइफ थे साथ में,
वो बिल्कुल सेफ जो है बाहर आ गए। आप देख लीजिए गाड़ी की पूरी जो छत है वो ही नीचे बैठ गई और ये रोडवेज की बस के अंदर जो है ये घुस जाती है। ये देख लीजिए इतना बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और ऐसे में फ़िलहाल ये ज़रूर है कि बचाव के लिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स और येलो लाइट्स जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं और जो रोडवेज़ की बस है वो भी फ़िलहाल सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वही रोडवेज़ की बस है, नंबर आप देख लीजिए HR39E3103 नंबर की ये रोडवेज़ की बस, और इसी में ही इनकी जो गाड़ी थी, इनकी जो कार थी वो अंदर घुस जाती है। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। मैम आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपको चोट, थोड़ी बहुत चोट आई है, हाथ में चोट आई है आपके? थोड़ी बहुत ही है बस, ज़्यादा में चोट आई है। तो यहाँ पर जो है मैम को हाथों में चोट तो आई हुई है आपको बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल उनका बचाव रहा है। आप देख सकते हैं उनका लगेज है साथ में। और मैम दिल्ली जा रहे थे, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, रिलेटिव्स के पास जा रहे थे, रिलेटिव्स के पास जा रहे थे जी। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल देख सकते हैं कि ये बस के आप हालात देख सकते हैं कि ये जो बस है किस तरीके से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। बस हमने आपको भी गाड़ियाँ दिखाई थी, अब मैं आपको ये जो बसेज हैं ये दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए पूरे तरीके से ये बस जो है, और इसके अलावा जो आगे की तरफ बता दें कि आगे भी जो गाड़ियां हैं वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा ट्राला जो है, ये बड़ा ट्राला, ये देख लीजिए किस तरीके से, अब ये बड़ा ट्राला भी आप देख पा रहे हैं बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। आप देख लीजिए ड्राइवर जो सीट है, ड्राइवर सीट पर जो व्यक्ति होगा अब न जाने उसका क्या हुआ, कैसे हुआ है। भैया इसमें जो ड्राइवर थे कैसे हैं वो, इसमें जो ड्राइवर थे अभी आए आ जाए? हाँ जी, अच्छा अभी भी आए हो? हाँ जी। तो ड्राइवर इसको ले गए हैं क्या, अस्पताल लेकर गए हैं? हाँ लेकर गए थे। क्या बता रहे हैं, ड्राइवर ठीक है या चोट उसको ज़्यादा है? गाड़ी की तो बहुत बुरी हालत है अभी, पता लगा है। तो यहाँ पर बता दें ये लोग फिलहाल महज अभी अभी ही पहुँचे हैं और आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा ही जो ये ट्राला है ये पूरे तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़े हादसा सुबह सुबह, और नंबर आप देख लीजिए HR69C1411 नंबर इस बड़े ट्राले का, काफ़ी बड़े हादसे सुबह सुबह के दिन। कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता कि इतने सुबह सुबह ऐसे हादसे जो हैं, और रविवार का दिन है दोस्तों, रविवार का दिन है, रविवार के दिन ऐसे ऐसे हादसे, कहीं ना कहीं यही कहना चाहेंगे कि आप फॉग में अगर जाते हैं कहीं भी तो कोशिश करें कि आप फॉग के दिन को अगर अवॉइड कर सकें तो ज़रूर करें। हालांकि काम पर जाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये तस्वीर देखकर तो अब कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं लगातार वो कहीं ना कहीं, ये देख लीजिए ये एक बड़ा जो कि आप देख सकते हैं ट्राला काफ़ी बुरे तरीके से जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक को खुलवाने का जो है कोशिश जो है वो जारी है, और आप देख सकते हैं कि जूता भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ड्राइवर का ही जूता होगा, ये देख सकते हैं शूज़ यहाँ पड़ा हुआ है ड्राइवर का। और दोस्तों फ़िलहाल रास्ते को क्लियर करवाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन बता दें एक लंबा चौड़ा जाम जो है, लंबा जाम जो है वो लग चुका है। बकायदा जो है हाइड्रा बुला लिया गया है, हाइड्रा से अब इसे, और देख सकते हैं कि जो ये रोडवेज की बस है इसका कालका से नारनौल, ये देख सकते हैं आप कि पूरा जो यहाँ पर उसकी जो प्लेट है वो भी यहीं पर गिरी हुई आप देख पा रहे हैं। और ये फ़िलहाल रास्ते को क्लियर करवाया जाएगा। दोस्तों आपसे अपील भी करेंगे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। लंबा जाम जो है वो फ़िलहाल लग गया है, और शुक्र करते हैं कि फ़िलहाल जो जिनसे हमारी बात हुई वो सेफ हैं, इसका शुक्र करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे हादसे लगातार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक गाड़ी और भी मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो ये देख लीजिए, मैं जूम करके देख रहा हूँ तो एक और क्षतिग्रस्त गाड़ी मुझे सामने दिख रही भी है। एक और गाड़ी है पीछे की तरफ? हाँ जी, हाँ जी सर। वो गाड़ी किससे टकराई है सर? इसी ट्रक वाले से। अच्छा, इसी ट्रक से। हाँ जी। तो यहाँ पर बता दें कि एक गाड़ी और है, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों कुछ दूर से नज़दीक आए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये ब्रेज़ा गाड़ी,
इसका नंबर चंडीगढ़ का है CH01B J7637 नंबर की। ये किन की गाड़ी है, ये आप ही की है? पीछे वाली है। हेलो, अच्छा पीछे वाली है। तो यहाँ पर बता दें कि फिलहाल जो गाड़ी है देख लीजिए, इनकी पीछे वाली गाड़ी है और ये सियाज गाड़ी जिसका नंबर चंडीगढ़ का है CH01AZ3255 नंबर की। ये सियाज गाड़ी जो कि शायद इस ब्रेजा में ही टक्कर लगती है। सर अचानक से कैसे हो गए हादसे? ये सारे काफ़ी सारे हादसे हुए सर, इसके अंदर आप किसी का क्या बताएं कि हादसे धुंध की वजह से हो रहे हैं या अपनी गलती की वजह से हुए हैं, कैसे हुए हैं? अचानक से ब्रेकिंग लगी ये गाड़ी की एकदम अचानक ब्रेक लगी या गाड़ी पहले आगे ठोकी है उसके बाद पीछे मेरी गाड़ी ठोकी है उसके पीछे दो तीन गाड़ियाँ और ठोकी है? गाड़ी ब्रेजा में लगी है जी। हाँ, मेरी गाड़ी ब्रेजा में लगी। आप ठीक है? आपको चोट? हाँ सेफ है जी। हाँ, और ये ब्रेजा गाड़ी वाले भी ठीक है? हाँ सेफ है, सेफ है। और फिलहाल दोस्तों बड़े हादसे सुबह सुबह देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इतने बड़े हादसे। और ध्यान दें आप, क्योंकि फॉग का दिन ही आया अचानक से। करनाल की अगर बात करें तो आज ही लोगों ने फॉग देखी और सर्दियों की पहली फॉग आई और इतने बड़े हादसे हो गए आप देख रहे हैं। और ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये भी किस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियाँ जो हैं लगातार दूसरे में लगने लग गई। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ट्रैफिक भी लगातार जो है वो बना हुआ है और उसे भी खुलवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और फिलहाल ये ज़रूर है कि, और बता दें कि एक गाड़ी और आप देख सकते हैं, बलैरो गाड़ी चंडीगढ़ नंबर CH01GA6818 नंबर की, और ये भी गाड़ी भी है। ये गाड़ी किस में लगी है भाई साहब? ये गाड़ी किस में लग गई आपकी? आगे तो गाड़ियाँ खड़ी थी और एक्सीडेंट हो गए। हाँ, काफ़ी एक साथ एक काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो गाड़ी चल रही है आपकी? हाँ गाड़ी चल रही है। और फिलहाल बता दें कि बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है गाड़ी। हालांकि इसे ले जाने का प्रयास तो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लगातार इन हादसों के अंदर लोगों से यही अपील करेंगे कि सर्दियों में अब फॉग का समय जो है वो शुरू हो रहा है, इसलिए जितने भी लोग हैं वो अपनी तरफ से सारे सुरक्षा के एहतियात जो है वो जरूर बरतें। और ऐसे में अभी फिलहाल ये ज़रूर है कि इस पूरे हादसे के अंदर हम सिर्फ लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर करें। पुलिस अपने काम में हालांकि व्यस्त थी, उनसे हम बात जो थे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, इसका हम शुक्र करते हैं। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।